ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत। आर्यन खान ने मन्नत में मनाई की दिवाली। 29 से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। जबलपुर में बड़ा हादसा, एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर में गर्भवती महिला समेत 4 की मौत। बैन पटाखों की हो रही खुलेआम बिक्री, खुलेआम बिक्री पर एससी ने केंद्र और राज्य को लगाई फटकार। योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट, कर्मचारियों को बोनस का ऐलान, लेकिन इन्हें ही मिलेगा फायदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता कर और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह अधिकारियों के साथ साथ अधिकारी आम जनमानस से मिलकर उनकी समस्याओं को जानना चाहते हैं, ताकि उनकी बेहतरी के लिए यथासंभव प्रयास किया जा सके। इसके लिए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अनुरोध किया है कि स्थानीय लोग उनसे मिले। राज्यपाल आम जनमानस से मिलने के लिए उत्सुक तथा उत्साहित है, क्योंकि वे धरातल पर जनता की स्थिति को जानना चाहते हैं। यदि कोई नागरिक राज्यपाल से इस कार्यक्रम के दौरान नहीं मिल पाता है तो बाद में भी राज्यपाल से संपर्क स्थापित कर सकता है। गौरतलब है कि यद्यपि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हवाई दौरे के माध्यम से हाल ही में राज्य में आई आपदा का जायजा लिया था, लेकिन वो जनपदीय कार्यक्रम के तहत धरातल स्तरीय स्थिति का आकलन करेंगे। विधानसभा ज्वालापुर के सबसे बड़े वोट बैंक गांव पंचपुरी गढ़मीरपुर के देवेंद्र प्रधान को बहुमूल्य समाज का समर्थन मिला। लोगों ने कहा कि देवेंद्र प्रधान के साथ वो पूरी तरह से हैं। आज विधानसभा ज्वालापुर के गांव पंचपुरी गढ़मीरपुर ने देवेंद्र प्रधान को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, जहाँ उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। देवेंद्र प्रधान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों में उत्साह है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी लोग हमारा और भाजपा पार्टी का साथ देंगे। मैंने ये निवेदन किया है, सब लोग एकजुट रहे, सुनने में नहीं आएंगे। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए और कार्यकर्ता को मैंने कहा है कि सब लोग जो है प्रत्येक बूथ पे अपनी बैठ के शुरू करें, प्रत्येक बूथ पे जो है जो हमारी बुद्धि कमेटी है उसको मजबूत करेंगे और अपनी पार्टी के जो भी हमारे कार्य हैं। विधानसभा खानपुर के शाहपुर के ग्रामीणों में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता श्याम ताकी का फूलमाला पहना कर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। साथ ही उन्होंने कहा कि हर विधानसभा के प्रत्येक गांव में 50-50 महिलाएं और 50-50 पुरुषों को जोड़कर एक टीम बना रहे हैं। मेरा पहले तो आपको, आपके चैनल को और आपके सभी जितने भी यहाँ पे चैनल हैं सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ। आपका यहाँ पे जो प्रोग्राम रखा गया है हमारा, ये हमारे मुकेश मास्टर जी, चुनाव प्रचार अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री जोधा जी और हमारे शाहपुर के अध्यक्ष मोहित जी द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया, कुछ महिलाओं द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम ये था कि इन लोगों ने एक छोटी सी मीटिंग बनानी थी, कमेटी बना रहे ये लोग अपनी, कि हर गांव में हम 50 लोगों की एक कमेटी बनाएंगे आम आदमी पार्टी की, और जी 50 महिलाओं की एक कमेटी महिलाएं बनाएगी, जो कि इन सबके सहयोग से आज यहाँ पे बहुत भारी संख्या में। रुड़की के कलिया शरीफ स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाने के लिए AIMIM के पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पहुंचे। यहां असुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ कलिया शरीफ पहुंची थी। बता दें कि कलिया शरीफ पहुंचे असुद्दीन ओवैसी ने पहले मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा की, फिर इसके बाद ओवैसी ने दरगाह साबिर पाक में चादर पेश कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। यहाँ दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद ओवैसी अपने काफिले के साथ मंगलौर के लिए रवाना हो गए।
लक्सर क्षेत्र के गोविंदपुर में बने धान क्रय केंद्र की शिकायतें किसान संघ द्वारा लगातार की जा रही हैं। शिकायतों के चलते लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता को एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिस पर उपजिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र गोवर्धन का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान धान क्रय केंद्र पर काफी खामियां पाई गई हैं। ना ही स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक दर्ज है और ना ही पूरी मात्रा में मजदूर रखे गए हैं। जो धान क्रय किया गया है उसको भी गलत तरीके से रखा गया है। किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पिछले कुछ समय से किसान संगठनों द्वारा गोवर्धनपुर धान क्रय केंद्र में कुछ अनियमितताओं के बारे में शिकायत की जा रही थी और इसमें ज्ञापन भी दिया गया था। उसी के क्रम में आज यहाँ पर जांच की गई, तो यहाँ पर बहुत ही सत्यापन किया गया और जो यहाँ पर अभिलेख हैं उनका निरीक्षण किया गया। कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो स्टॉक मेंटेन किया जाना चाहिए वो पूरी तरह ठीक से नहीं मेंटेन किया गया है। साथ ही जो यहाँ पर कई स्थितियों में ऐसा देखा गया कि उसमें धान की खरीद के बाद उसको वहीं पर स्टोर किया गया है, जबकि उनको तत्काल ही राइस मिल तक भेज दिया जाना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर लेबर की भी पर्याप्त व्यवस्था है, यानी इसके संबंध में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि मस्टर रोल जो है वो यहाँ मेंटेन नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो नमूना है उसको भी सील करके रखे जाने का प्रावधान है, पर धान का कोई भी नमूना यहाँ पर रखा। आगामी दीपावली का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से आहूत बैठक में उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने जरूरी निर्देश दिए। बैठक में आने वाले दीपावली त्योहार में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए, इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दीपावली का त्योहार शांति के साथ मनाएं। इसी के साथ ये भी कहा गया कि नरेंद्र नगर में रामलीला मैदान, 14 बीघा में पुल के पास व सब्जी मंडी स्थल और ढालवाला में ट्रक यूनियन स्थल पर व्यापारी पटाखे बेचने की अपनी दुकानें लगा सकते हैं। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार चांबोली और SHO सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। आने वाला है तो दिवाली के त्यौहार के दौरान पूरे क्षेत्र में जगह जगह पटाखे दुकान लगती हैं, तो फायर सेफ्टी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापारी प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की गई और 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं। नैनगर में जो रामला ग्राउंड का मार्केट है वहाँ, ढालवाला में सब्जी मंडी के पास तथा ढालवाला में ट्रक यूनियन के पास और 14 बीघा में सब्जी मंडी के पास, यहीं पर ही पटाखे उगा रहे हैं। SDM साहब की अध्यक्षता में आज दीपावली की पूर्व संध्या पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से SDM साहब द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों को 3 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिससे कोई फायर की कोई दुर्घटना न घटे और सभी जनता के लोगों से या व्यापार मंडल के लोगों से निवेदन है कि SDM साहब द्वारा दिए गए निर्देशों का। जनपद टिहरी के नरेंद्र नगर में नई कृषि मंडी खुल चुकी है। इस कृषि मंडी के पहले अध्यक्ष पद पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने सामाजिक कार्यकर्ताओं वीर सिंह रावत को अध्यक्ष मनोनीत किया, जिसके बाद भाजपा गजा मंडल के कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्र के लोगों ने वीर सिंह रावत के सम्मान में तथा क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए सराहनीय कार्य करने पर मंत्री का अभिनंदन करने के लिए कहा गया। भव्य समारोह पोखरी बाजार में आयोजित किया गया। सही में सारे कंडीशन है, एयर कंडीशन है, जिससे खासकर सब्जी अदरक जैसे ये क्षेत्र है उस क्षेत्र के काश्तकारों को जो ऑफ सीजन में अपने उत्पाद को मार्केट में बेचने का फायदा मिलेगा। जब वो सीजन होता है, जब दाम कम होते हैं, तो उस समय एयर कंडीशन जो रूम्स हैं इनका फायदा लेके ऑफ सीजन में को जाएंगे तो भी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, जो किसान को बाजार ढूंढना पड़ता है मंडी में, मंडी के खुलने से किसान के उत्पाद को एक बेहतर मार्केट मिलता है और जो उसको भटकना पड़ता है खरीदारों के लिए, उससे भटकना रुक जाएगा और कहीं ना उसकी आर्थिकी को निश्चित रूप से काफ़ी फायदा मिलेगा। और इसी के उद्देश्य से बनाई गई है मंडी की, किसान की आय दुगनी हो, किसान का शोषण रुके, उसके उत्पाद को बेहतर मार्केट मिले, उसके उत्पाद को बेहतर दाम मिले, तो इसका सब फायदा होगा। और वीर सिंह रावत जी क्योंकि इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र में अदरक से लेकर सब्जियों का काफ़ी उत्पादन है और आज सूखा के मामले में भी ये घाटी बहुत आगे बढ़ रही है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान मतलब खेती के बारे में भी जानता हूँ और मेरी जो सोच है, ये नई मंडी जो बनी है इसके प्रति ये सोच है कि मैं
सबसे पहले किसानों के पास जाऊंगा, किसानों को हम कृषि विभाग के माध्यम से, उद्यान के माध्यम से पहले कृषकों के और ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को इस मंडी से जोड़े, जो यहाँ कृषक जुड़ेंगे और ये इस मंडी को। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से नगर निगम ऋषिकेश की ओर से मैराथन आयोजित की गई। इस मैराथन में सैकड़ों युवा और बुजुर्गों ने प्रतिभाग किया। मेयर अनीता ममगई की अध्यक्षता में मैराथन का आयोजन किया गया और मैराथन को हरी झंडी दिखाने बतौर मुख्य अतिथि हिमालयन इंस्टीट्यूट के कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना पहुंचे। मैराथन में शामिल सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लगातार जागरूक करने का संकल्प भी लिया। प्रतियोगिता के दौरान डॉक्टर विजय धसमाना ने कहा कि युवाओं में नशे की लत देखने को मिल रही है। इस प्रकार के कार्यक्रम होने से युवाओं का रुझान खेलों की ओर बढ़ेगा, जिससे युवा नशे की लत से दूर होंगे। हम सभी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि नगर निगम ऋषिकेश द्वारा वायुथन करवाई जा रही है और ये वायुथन अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, युवा, बुजुर्ग सभी दौड़ेंगे और पूरी सड़कों में, गलियों में जाके पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आज संदेश देंगे। लेकिन मैं सभी से विनम्रतापूर्वक ये आग्रह भी करना चाहूँगी कि एक इंसान को जगाने के लिए इंसान को दौड़ना पड़ रहा है, जबकि इंसान के अंदर अपने आप में अपने बुद्धि विवेक का अपार खजाना अपने आप में भरा हुआ है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि इस कोरोना काल में हम सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन, प्राणवायु कितनी आवश्यक है। धन संपदा धरी की धरी रह गई और जब अपने अस्पतालों में कोरोना काल में अपने परिजनों के साथ में जब लोग अस्पतालों के बाहर लाखों करोड़ों रुपए लेके खड़े थे और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो आज कितना ज़रूरी हो जाता है कि हमको अपने पर्यावरण, जो हमारी संपदा, असली धन संपदा हमारे अपने पर्यावरण को बचाना और उसको सुरक्षित रखना है। तो जैसे इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई है तो उसी को देखते हुए ये रेस एकदम फ्री है और हमें मतलब एकदम फ्री एंट्री मिली, हमने कुछ नहीं दिया, पे भी नहीं किया, तो मतलब ये हमारे नेचर के लिए एक तो बहुत बढ़िया है। भाजयुमो जिला कार्यकारिणी और सभी मंडल अध्यक्षों, महामंत्रियों की बैठक जिला कार्यालय नई टिहरी में हुई। इस दौरान बैठक में भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी भाजयुमो टिहरी गढ़वाल विपुल मंदोली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन के दौरान विपुल मंदोली ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला है। साथ ही बैठक में उन्होंने वर्ष 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत का दावा किया है। टिहरी जिले 6 सीटों में पुनः भारी बहुमत के लिए करें महत्वपूर्ण भागीदारी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जब से उत्तराखंड आया है तो हम युवाओं में, खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में, हमारे नस नस में जो एक उत्साह का प्रवाह हुआ है और जो हमें 2022 का चुनाव और भी अधिक सीटों से जिताने का जो हमारे मन में एक नया संचार पैदा हुआ है, ये इस बात का प्रमाण देती है कि हम 2022 में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। इसी निमित्त में आज यहाँ आया हूँ कि हमारे जिलाध्यक्ष जी और बाकी जो हमारे मंडलों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठना हो और कार्यक्रमों पर चर्चा की जाए। जो हमारे टिहरी जनपद के सभी बूथों पर युवा मोर्चा अपने सभी बूथों पर 20 यूथ जो हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है अब की बार 60 पार, उसके उद्देश्य की पूर्ति सर्वप्रथम टिहरी से होगी और युवा मोर्चा टिहरी जनपद में 6 की 6 सीट जिताने के लिए कार्य करेगा। आप देख रहे हैं पूरी जनता में, हम तो घूमते हैं पूरे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। रुड़की शहर के वेंडर के पक्ष में आई नगर निगम परिषद संजीव राय लहंगा स्टॉल से लेकर लघु व्यापार एसोसिएशन के फार्म के नाम पर वेंडरों से वसूली पर आवाज उठाई। पार्षद सुनील कश्यप ने भी 1,08,000 का स्टॉल की कीमत को वेंडरों की हैसियत से बाहर बताया है, जिसके बाद पार्षद बेबी खन्ना और अनूप राणा पार्षदों ने गरीब मजदूर वेंडरों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी और वेंडरों के साथ उन्होंने सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट से मुलाकात कर वेंडरों का पक्ष रखा है। पार्षदों का कहना है कि गरीब वेंडरों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि किसी वेंडर को किसी भी कंपनी से स्टॉल खरीदने की जरूरत नहीं है, वेंडर खुद ही अपना स्टॉल नियम अनुसार तैयार करवाएं। जो है लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि जेब गर्म करने के लिए। तो जब हमें खोखा 15 से 20 हजार का हमारा बन रहा, हम ब्याज पे पैसा नहीं लेना चाहते। सरकार की मेहरबानी जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। हम पैसा अपना लगा के काम करना चाहते हैं, लेकिन हम किराए में तो मना नहीं कर रहे ना। राजधानी देहरादून के प्रेम नगर में 19 साल के एक लड़के को 17 साल की नाबालिग लड़की से प्यार हो गया और प्यार के इस प्रकार परवान चढ़ा कि लड़के को लड़की का किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता था, जिस कारण दोनों के बीच में टकराव होने लगा और अपने प्यार को खोता देख लड़के ने अपने ही प्यार को बेरहमी से कत कर दिया। ये सब बयान नाबालिग के हत्यारोपी 19 साल के तनुज पासवान ने दिया है। दीपावली त्योहार को लेकर उप जिलाधिकारी राकेश तिवारी व सीओ वंदना वर्मा ने व्यापारियों के साथ आतिशबाजी दुकानों को लगाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बरहान के व्यापारी मंडल अध्यक्ष जसवंत सिंह ने कहा कि यहां लगभग 10 दुकानें लगती हैं, वहां पर किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूर दूर जगहों पर सभी दुकानें लगाई जाती हैं। वहीं शहर के व्यापारियों ने कहा रामलीला ग्राउंड में ही आतिशबाजी की दुकानें लगाने दी जाए या फिर ब्लॉक के सामने खाली पड़े स्थान पर लगाने की अनुमति दी जाए। यानी व्यापारियों का कहना था कि हम 20 वर्षों से रामलीला ग्राउंड में ही आतिशबाजी की दुकानें लगाते आ रहे हैं, अब अगर प्रशासन आतिशबाजी की दुकानों के स्थान को चेंज करता है तो उनके व्यापार पर काफी असर पड़ेगा, जिससे उनका व्यापार पूरी तरह से प्रभावित होगा। हमारा जो त्यौहार आ रहा है, सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, उसमें क्योंकि पटाखे भी बिकते हैं तो पटाखों की अनुमति रहती है 3 दिन, तो चूंकि यहाँ रामलीला ग्राउंड में पटाखे बिकते हैं तो आज ये सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि भीड़ भाड़ को देखते हुए मार्केट से थोड़ा बाहर जो है पटाखे की दुकानें लगें। तो 3-4 स्थान के सुझाव आए हैं, जिसे GIC है और धर्मशाला है, ब्लॉक के सामने है, उसके अलावा बड्डी के स्थान। तो उसमें निर्णय लिया गया है कि व्यापार मंडल अध्यक्ष, CEO, SDM और इंस्पेक्टर, ये सब कल सायं 4-5 बजे उन स्थानों का विजिट कर लेंगे और जो उसमें से सुटेबल स्थान होगा वहाँ पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही जो मार्केट में भीड़ भाड़ रहती है, तो एक सुझाव ये भी आया व्यापार मंडल के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से जो गणमान्य उपस्थित थे, कि जो भारी वाहन है, विशेषतौर पर जो खनिज वाहन है, वो धनतेरस। चंपावत जिले के बनबसा में पुलिस SOG व एंटी ड्रग टास्क फोर्स के संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम द्वारा वैध समय को 7 तस्कर तबरेज अख्तर को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस को मिली इनपुट के बाद उसे बनबसा कैनाल इलाके में नेपाल जाने के दौरान बनबसा पुलिस और SOG व एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया। इस मामले में स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने वाली टीम को DIG कुमाऊं द्वारा 5,000 व SP स्तर से 2,500 नगद इनाम की घोषणा की गई है। आज हमारे जो ADTF और SOG के साथ साथ में बनबसा पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान में एक बड़ा स्मगलर, जिसको कह सकते हैं, जो स्मैक का था, उसको पकड़ा है। ये जो तबरेज अख्तर है वो बेसिकली सितारगंज का रहने वाला है और ये जो हमारे जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसमें कई जगह पर सप्लाई भी करता। पहले भी जो हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछताछ की तो इसका नाम हमारे नॉलेज में आया था, तो उसके बाद से इसके ऊपर हमारी नज़र भी थी। तो आज ये पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लगभग 120 ग्राम के आसपास स्मैक इससे बरामद हुई है। इसकी हम क्रिमिनल हिस्ट्री और भी देख रहे हैं। फिलहाल इसको हम जेल भेज रहे हैं, माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और रिमांड ले रहे हैं। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।